Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. Hello. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में, विच इज पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप. फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेल्डिंग, और वेल्डिंग की हर एक चिंगारी में कितनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग भरी पड़ी है आज आप लोगों को पता पड़ जाएगा. मतलब जब वेल्डिंग पूरा चलेगा कितना अच्छा, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके वेल्डिंग, और कितने कॉन्सेप्ट्स है इसमें वेल्डिंग में. तो देखिए, वेल्डिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो वेल्डिंग जो आपका प्रोसेस है, पहले मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा आपको क्या क्या बेसिक टर्म्स इस वेल्डिंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं. इसके बाद में कितने टाइप की वेल्डिंग होती है, कौन सी वेल्डिंग कहाँ पे यूज़ होती है, किसके एडवांटेज क्या है, क्या डिसएडवांटेज है, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं. तो पहले तो देखो, सबको एक बार शेयर कर दो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बुला दो, फिर हम लोग यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं. देखो, शेयर करो, अगर शेयर करोगे तब जाके बात मजे आने वाली है. तो देखो, बताओ ठीक है ना. तो मैक्सिमम आप लोग इसको शेयर करेंगे. अब देखिए, क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखो, आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रोडक्शन है उसमें डिफरेंस क्या है. मैन्युफैक्चरिंग क्या है, किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, वो कहता है मैन्युफैक्चरिंग था. जबकि आपका प्रोडक्शन क्या होता है, इनपुट को, जो भी कुछ भी इनपुट अगर आउटपुट में चेंज हो रहा है तो आपका क्या है, आपका प्रोडक्शन है. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की यदि हम लोग बात करें, तो हम लोगों ने जो बात करी थी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसमें कौन कौन से प्रोसेस थे. एक तो था आपका कास्टिंग प्रोसेस था, ठीक है, कास्टिंग प्रोसेस था. एक था आपका फॉर्मिंग प्रोसेस, इसको मैंने एक कैटेगरी में क्लासिफाई किया था. बताइए, एक मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो एक प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, ज्वाइनिंग होता है. बताइए, एक जो प्रोसेस होता है वो आपका कौन सा होता है, मशीनिंग होता है. जो एक प्रोसेस होता है वो आपका कौन सा होता है, मशीनिंग होता है. मशीनिंग, तो आपको मैंने बताया था कास्टिंग फॉर्मिंग में क्या है, जब शेप चेंज होती है उसकी फॉर्म चेंज होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी मटेरियल ऐड नहीं होता, कोई भी मटेरियल आपका नुकसान नहीं होता. आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या है, आपका पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जब हम लोग कोई दो चीज हम लोग मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो चीजें ऐड होती है, ज्वाइन करते हैं. और मशीनिंग में क्या, हम लोग मेटल रिमूव करके, मशीनिंग करके हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं. तो जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वो किस वाले प्रोसेस के करने वाले हैं, ज्वाइनिंग वाले प्रोसेस के करने वाले हैं. क्लियर? तो चलिए, हेडिंग हम लोग डालते हैं आगे, ज्वाइनिंग प्रोसेस देखेंगे. देखिए, जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है इसमें भी आपके डिफरेंट डिफरेंट है. ज्वाइनिंग कैसे हो सकती है, जैसे मैं बात करूं, पहला जो प्रोसीजर है वो क्या, आपका मैकेनिकल फास्टनिंग. बताइए इसमें कौन से आएंगे, मैकेनिकल फास्टनिंग में, मैकेनिकल फास्टनिंग बताओ क्या ये एक तरीका है ज्वाइनिंग करने का. इसमें जो आता है, दूसरा आता है, वो होता है आपका वेल्डिंग. तीसरी जो चीज आती है वो आती है आपके सोल्डरिंग, सोल्डरिंग. और जो चौथी जो चीज है वो है आपकी ब्रेजिंग. ठीक है, ध्यान से आप लोग समझेंगे, मैकेनिकल फास्टनिंग, वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग. देखो, अगर मैं बात करूं मैकेनिकल फास्टनिंग की, तो मैकेनिकल फास्टनिंग में क्या होता है, आपके नट एंड जोल से आप लोग चीजें ज्वाइन कर दो. कोई भी दो, जैसे मान लो एक वर्कपीस ये रहा, एक वर्कपीस ये रहा, यदि आपको इसको ज्वाइन करना है तो क्या आप लोग नट एंड बोल्ट से ज्वाइन कर सकते हो क्या, कि आपने एक बोर्ड लगाया ऐसे और ये आपको नट, ये ज्वाइन हो सकता है क्या, तो ये मैकेनिकल फास्टनिंग हो गया आपका. क्लियर? देखिए, बात में बताऊं आपको, आपको दो टर्म दिख रहे होंगे, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग. हालांकि वेल्डिंग से डिफरेंट होता है, लेकिन हम लोग अगर बात करेंगे तो वेल्डिंग का एक स्पेशल केस होता है. तो जो हम लोग बात करेंगे अभी किसकी करेंगे, वेल्डिंग की करेंगे, और इस वेल्डिंग में मैं आपको पढ़ा दूंगा सोल्डरिंग और ब्रेजिंग.
ठीक है, तो चलते हैं वेल्डिंग प्रोसेस पे कि वेल्डिंग होता क्या है। हेडिंग आप लोग डाल लेंगे वेल्डिंग प्रोसेस। देखो देखिए दूसरा देखिए, तो देखिए वेल्डिंग क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेल्डिंग होती है अपने घर के बारे में, देखो कोई लोहे वगैरह शॉप पर वेल्डिंग, तो आप लोग देखेंगे वेल्डिंग के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, कौन सी वेल्डिंग कहां पर यूज होती है, ऐसे हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं वेल्डिंग के लिए कि कोई भी दो आपके वर्क पीस है ना, मान लीजिए इनको आपको जोड़ना है, वेल्ड करना है, अलग अलग तरीके से देखेंगे। एक तो इस तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं, एक एंड टू एंड किनारे से किनारे हम लोग जोड़ सकते हैं, एक जोड़ सकते हैं मान लो ये ऐसे जोड़ सकते हैं। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन की, दो वर्क पीस को आप लोग ऐसे जोड़ना हो वो बात अलग है, लेकिन बात है वेल्डिंग की डेफिनेशन हम लोग दे दो कैसे दे। क्या मैं बोल सकता हूँ कि वेल्डिंग एक आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या बोलेंगे, वेल्डिंग एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ठीक है, इसका क्या, वेल्डिंग इज अ ज्वाइनिंग प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी दो वर्क पीस को हम लोग कैसे ज्वाइन करते हैं, हम लोग प्रेशर का यूज कर सकते हैं। बताइए क्या अगर मैं प्रेशर लगाऊं तो ये जुड़ सकते हैं क्या? तो देखिए प्रेशर का यूज करके भी जुड़ सकते हैं, विदाउट प्रेशर का यूज करके भी जुड़ सकते हैं, सही बात है। क्या मैं अगर इधर हीट दूं, ठीक है, कोई दो वर्क पीस है, कोई दो वर्क पीस है, यदि मैं इनके बीच में हीट डेवलप करूं तो क्या थोड़ा सा ये मेल्ट होगा, थोड़ा सा ये मेल्ट होगा, तो क्या दोनों चिपक सकते हैं क्या? बिल्कुल चिपक सकते हैं। तो हीट के से हीट अप्लाई करके भी हम लोग जोड़ सकते हैं, विदाउट हीट के भी हम लोग जोड़ सकते हैं। और बताइए क्या मैं आपसे बोलूं, एक तो मेरी बात हो गई किसकी बात हो गई, प्रेशर की हो गई, एक किसकी बात हो गई, हमारे हीट की हो गई। अगर मैं आपसे बात की बयान करूं कि क्या कोई तीसरा मटेरियल, जैसे मान लो कोई तीसरा एक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फिलर मटेरियल, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई तीसरे मटेरियल का यूज करके भी हम लोग इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिलर मटेरियल, मतलब जो चीज गैप है इसकी कमी को कौन फिल कर सकता है, ये आपका फिलर मटेरियल। तो वेल्डिंग क्या है, एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसके लिए जिसमें हम लोग जो वर्क पीस को जोड़ सकते हैं कैसे, विद और विदाउट प्रेशर, प्रेशर का यूज करके भी, विदाउट प्रेशर का करके भी। दूसरा क्या, विद और विदाउट हीट, हीट का यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, और विद और विदाउट फिलर मटेरियल। किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देखोगे आपको ये डेफिनेशन मिलेगी, उसकी मैंने मतलब बताने की आपको कोशिश करी है। अब जो वेल्डिंग जो प्रोसेस है, ये पहले मैं आपको क्लासिफाई करता हूं कि वेल्डिंग प्रोसेस कितने तरीके की होती है, क्या क्या अलग होती है, उसके बाद में हम लोग चलेंगे कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे वेल्डिंग। तो पहले हम लोग समझते हैं कि वेल्डिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो वेल्डिंग का आप लोग एक चार्ट बना लेंगे, वेल्डिंग का देखते हैं। देखो अगर मैं बात करूं वेल्डिंग, तो वेल्डिंग बेसिकली आपके तीन पार्ट्स में मैं क्लासिफाई कर सकता हूं। देखो अलग अलग बुक में अलग अलग बेसिस पर नोमेनक्लेचर होता है, कहीं पर किस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी प्रेशर वेल्डिंग है और कौन सी नॉन प्रेशर वेल्डिंग है। प्रेशर वेल्डिंग का मतलब क्या है कि किस वेल्डिंग में वर्क पीस को प्रेशर के इफेक्ट के द्वारा जोड़ा जा रहा है, और कौन सी ऐसी वेल्डिंग है जिसमें प्रेशर को बिना प्रेशर के, मतलब दो वर्क पीस को बिना प्रेशर के इफेक्ट द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो मैं यहां पर जो मैं वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, मैं इस बेसिस पे कर रहा हूं कि कौन सी किस स्टेट में होगी। इसका मतलब क्या है कि यदि दो वर्क पीस को चिपकाने के लिए क्या हम लोगों को उनको मेल्ट करना पड़ रहा है थोड़ा सा, मतलब लिक्विड स्टेट में हो रही है, या फिर अगर दो वर्क पीस को मैं सीधे चिपका रहा हूं बिना उनको मेल्ट करे हुए, बिना उनको फ्यूज करे हुए, बिना उनको हीट दिए हुए, बिना उनको मेल्ट करे हुए, तो वो सीधा सॉलिड स्टेट में हो जाएगी। क्लियर? तो इसी बेसिस पर जो आपकी वेल्डिंग है वो तीन पार्ट में क्लासिफाई है। जो पहली जो वेल्डिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, ये आपकी कौन सी है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। चीजें समझ में आ गई? मैंने फिर बताया किस बेसिस पर कर रहा हूं मैं आपके आपके कि किस बेसिस पर कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं कि किस स्टेट में वो क्या हो रही है, आपके फ्यूज हो रही है, जुड़ रही है, ठीक है। एक तो होती है सॉलिड, एक होती है आपके लिक्विड स्टेट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन भी बोलते हैं, क्लियर। और एक है आपके सॉलिड लिक्विड, एक आपके सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। देखो देखो अगर मैं बात करूं सॉलिड में, यदि दो वर्क पे जुड़ रहे हैं तो सॉलिड स्टेट में जुड़ जाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक इसका एग्जांपल देता हूं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का, एक होती है इसका एग्जांपल है फ्रिक्शन वेल्डिंग। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक वर्क पीस है ये, क्लियर, एक वर्क पीस है, एक दूसरा वर्क पीस है, इनको जोड़ना होता है। बताऊं कैसे जोड़ते हैं, जो एक वर्क पीस है ना इसको तो हम लोग क्या है, चक के अंदर घुमा देते हैं, स्पिंडल के अंदर, बहुत तेज स्पीड से घूमता है, बहुत तेज स्पीड पे क्या करता है, घूमता है, बहुत तेज स्पीड पे घूमता है।
और एक आपका क्या होता है, ये रोटेट नहीं करता। अब इसको हम लोग क्या लाते हैं, क्या मुझे बताइए दोनों मेल्टिंग कंडीशन में क्या हम लोग इसको हीट दे रहे क्या? नहीं। तो आप क्या करते हैं, हम लोग इसको फोर्स लगाते हैं तो इस पे लाके एकदम से चिपका देता है। तो सॉलिड स्टेट में क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होता है, फ्रिक्शन के कारण हीट डेवलप होती है जिसके कारण दोनों के चिपक जाता है। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में हो रही है जो वेल्डिंग हो रही है, क्लियर। तो सॉलिड स्टेट का एग्जांपल कौन सी है मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके लिख कर रही है। एक तो होती है आपकी फ्रिक्शन वेल्डिंग, सारी चीजें हम लोग समझेंगे। एक तो होती है आपकी फ्रिक्शन वेल्डिंग, ठीक है। एक होती है आपकी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में क्या होता है कि जो आपकी थिन फॉइल होती है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा खाना बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉइल, तो अगर इतनी कम थिकनेस की आप लोगों को यदि शीट को ऐड करना है, शीट को जोड़ना है, वेल्डिंग करनी है, ज्वाइनिंग करनी है उनकी, तो उसके लिए आपकी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग यूज होती है। एक एक चीज हम लोग बात करेंगे। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इसमें मैकेनिकल वाइब्रेशन का यूज होता है, सारी चीज हम लोग करेंगे। एक होती है आपकी फोर्ज वेल्डिंग। तो फोर्ज वेल्डिंग कौन सी होती है, जो आपका लोहार करता है बिल्कुल उसको गर्म करके ठोकना, वो आपकी फोर्ज वेल्डिंग में आती है। जो एक जो वेल्डिंग होती है इसके अलावा, फोर्ज वेल्डिंग के अलावा, वो होती है आपकी डिफ्यूजन वेल्डिंग। वो आपकी कौन सी होती है, डिफ्यूजन वेल्डिंग। तो मैंने आपको कौन कौन सी बताई, एक तो हो गई आपकी फ्रिक्शन वेल्डिंग, एक आपकी कौन सी हो गई आपकी फोर्ज वेल्डिंग हो गई, एक हो गई आपकी डिफ्यूजन वेल्डिंग, और एक आपकी हो गई कौन सी, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, और एक जो हो जाती होती है एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, ठीक है। तो जो भी सिलेबस में होगा हम लोग केवल वही हम लोग चीज पढ़ने वाले हैं, तो आपके एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, क्लियर। लिक्विड की बात करता हूं, लिक्विड में कौन सी होती है, देखो तो लिक्विड में जो होती है, लिक्विड में होती है आपके आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। इस आर्क वेल्डिंग के ही क्या है, और भी टाइप है, जैसे TIG टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, एक होती है आपके MIG यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, एक होती है आपके सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ये सारे किस्में आर्क वेल्डिंग में ही आते हैं, ठीक है। इस आर्क वेल्डिंग के बाद मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, मैं लिक्विड स्टेट की बात कर रहा हूं, तो इसमें एक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग बोलते हैं उसको, ऑक्सी एसिटिलीन मतलब एक सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी होती है, एक में एसिटिलीन भरी होती है, तो एक प्रॉपर रेशियो में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को हम लोग मिलाते हैं, पाइप के थ्रू आती है, जिससे वो जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक होती है, मतलब वो जैसे वर्क पीस में जो गैस दोनों कंबाइंड होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज करती है, तो वहां पर वर्क पीस चिपक जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इसमें आपके कौन कौन से आ जाएगी, केमिकल रिएक्शन में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग आ जाएगी, एक हाइड्रोजन वेल्डिंग आ जाएगी, तो किस में आ जाएगी, केमिकल रिएक्शन में आ जाएगी, क्लियर। एक होती है आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये भी आपके किस में आती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी किस में आएगी, आपके लिक्विड में। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है, देखो मैं आपको छोटा छोटा आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बाद में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लो कोई दो वर्क पीस है ना, आपको इन दोनों वर्क पीस को जोड़ना है, तो एक इलेक्ट्रोड होता है ये ऊपर लगाता है, एक इलेक्ट्रोड क्या लगाता है, नीचे लगाता है। अब जैसे हम लोग पावर सप्लाई देता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल इससे जोड़ देता है, तो जैसे ही करंट सप्लाई होने लगेगी, क्या ये वर्कपीस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, उसमें क्या प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, और जब भी आपका प्रतिरोध उत्पन्न होता है आपको पता है हीट डेवलप होती है I²RT, ठीक है। तो यहाँ पर ये हीट डेवलप हो जाएगी और यहाँ पर वो चीज क्या हो जाएगा, आपका ये वेल्ट ये नगेट बन जाएगा। अभी सारी बात करूंगा नगेट वगैरह क्या है, तो मतलब यहाँ से फ्यूज होकर जुट जाएंगे, क्लियर। तो ये बात किसकी कर रही है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग की। सॉलिड लिक्विड में आपकी कौन सी होती है, सोल्डरिंग आती है, ब्रेजिंग आती है। सेशन को लाइक करते रहिए, चीजें समझ में आ रही है, थम्स अप करिए। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सोल्डरिंग ब्रेजिंग, सारी एक एक वेल्डिंग को बिल्कुल डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चीजें क्लियर है, पहले तो थम्सअप करो, लाइक करो। कैमरे में लैपटॉप आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब सही है, बताओ, एक्सप्लोजिव, डिफ्यूजन, फोर्ज, अल्ट्रासोनिक, फ्रिक्शन, बताओ। चले आगे, अरे सही क्या, आगे चले। थोड़ा सा मेरे को कमेंट नहीं दिखता, इसलिए थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूं, कोई बात नहीं, इधर नहीं लिखूंगा मैं अब, ठीक है, अब इधर मैं नहीं लिखूंगा, आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए अभी जो मैंने बात करी टाइप्स के करी, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। देखो अब देखो, कोई भी वर्क पीस जोड़ेंगे उसके लिए क्या बनना जरूरी है, उनमें जॉइंट बनना जरूरी है, जरूरी नहीं है जॉइंट,
मतलब कोई जोड़ने के लिए कुछ चीज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट बता रहा हूँ, तो हेडिंग आप लोग डालेंगे वेरियस जॉइंट डिजाइन, किस तरह के जॉइंट हम लोग बना सकते हैं, तो वेरियस जॉइंट डिजाइन, वेरियस जॉइंट डिजाइन, वेरियस जॉइंट डिजाइन, ठीक है, ध्यान से हम लोग समझेंगे। देखो एक तो होता है आपका बट जॉइंट, बट जॉइंट जैसे मान लो एक वर्क पीस ये रहा, है ना, एक वर्क पीस ये रहा, यदि किनारे से किनारे जोड़ने हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ये बट जॉइंट, ठीक है। तो ये आपका पहला जॉइंट कौन सा हो गया, आपका बट जॉइंट हो गया, बट जॉइंट हो गया, ठीक है, ठीक है। एक होता है आपका लैप जॉइंट, देखो लैप का मतलब क्या था, गोदी, जैसे किसी बच्चे को गोदी में हम लोग खिलाते ना, तो वही चीज यदि ये एक वर्क पीस ये रहा, अगर दूसरा वर्क पीस ये रहा, तो अगर ये आपके कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं, अगर ऐसा जॉइंट बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैप जॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैप जॉइंट। ये चीजें क्लियर है क्या, ये लैप जॉइंट और आपका बट जॉइंट। अगर आपके वर्क पीस कुछ ऐसे जुड़ रहा हो, यदि आपके वर्क पीस कुछ ऐसे जुड़ रहा हो, एक वर्क पीस ये रहा, ठीक है, एक वर्क पीस ये रहा, तो ऐसे जॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर जॉइंट, इस ऐसे जॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर, कॉर्नर जॉइंट, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, बट जॉइंट होता है, एक लैप जॉइंट होता है, एक कॉर्नर जॉइंट होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि यदि दो वर्क पीस कुछ इस तरीके से जुड़ रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टी जॉइंट, चले आगे, इसको हम लोग बोलते हैं टी जॉइंट, चले। तो कैसे भी जुड़ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके देखेंगे किस तरीके में कैसे आपके यूज होते हैं, ठीक है। अरे बताइए, कोई दिक्कत है क्या, एक तो फालतू की बातें करते रहते हो, लाइक वगैरह शेयर करने में तो आपको जोर आता है, वो बातें करवा लो। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ये तो जॉइंट के टाइप हो गए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्ड। अब आप लोग क्या होता है फ्यूजन वेल्ड समझते हैं, देखो टाइप्स ऑफ फ्यूजन वेल्ड। देखो इस फ्यूजन वेल्ड का मतलब क्या है, जैसे माना मैंने आपको बोला कि कोई एक वर्क पीस ये रहा, एक वर्क पीस ये रहा, आपको जोड़ना है, आपने वेल्डिंग करी, तो क्या कुछ मटेरियल इसके अंदर आएगा क्या, मतलब मान लो कुछ आपने वेल्डिंग करी तो कुछ मटेरियल तो आएगा ना, जब तो जुड़ेगा इसमें, हो सकता है ये मटेरियल जो अंदर आ रहा है, हो सकता है यही थोड़ा सा मेल्ट हो, यही थोड़ा सा मेल्ट हो और यही मिलके जॉइंट बनाए, तो अंदर मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज वेल्ड, ठीक है ना। मतलब कौन सा ऐसा पार्टिकल है, कौन सा बीच में ऐसा मैटर है जो इन दोनों को फ्यूज कर रहा है, फ्यूज करके वेल्ड कर रहा है, बात को समझ में आ रहे हो। तो ये टाइप्स ऑफ फ्यूजन वेल्ड की बात कर रहा हूँ, कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है आपका बीड वेल्ड, ठीक है, यदि आपका कोई वर्क पीस है, अगर जो भी आपका वेल्ड बन रहा है पूरे अप टू डेप्थ तक नहीं बन रहा, केवल यहां तक ही बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीड वेल्ड, बीड, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर अप टू डेप्थ तक नहीं बन रहा, यहां तक ही बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीड वेल्ड। अगर ये पूरा अप टू डेप्थ तक बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रूव वेल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रूव वेल्ड, ठीक है, ऐसे बन रहा है अगर, देखिए, ठीक है, ग्रूव वेल्ड, चीजें समझ में आ गई। एक तो हो गया आपका बीड वेल्ड, एक होता है आपके ग्रूव वेल्ड। अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई दो वर्क पीस कुछ इस तरीके से ना, कुछ इस तरीके से, एक वर्क पीस आपका ये रहा, एक वर्क पीस आपका ये रहा, ठीक है, ये लेफ्ट जॉइंट में बनता ही आपका ये वाला वेल्ड। तो अगर आपका वेल्ड कुछ इस हिसाब से बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो इस वाले वेल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलेट वेल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलेट वेल्ड, कौन सा बोलते हैं, फिलेट। चीजें क्लियर, थम्स अप करो, चले आगे। तो ये तीनों याद हो जाएंगे, बीड वेल्ड क्या होता है, ग्रूव वेल्ड क्या होता है, आपका फिलेट वेल्ड क्या होता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो पहले हम लोग चलते हैं लिक्विड वेल्डिंग में एंट्री करते हैं। लिक्विड वेल्डिंग में मैंने आपको कौन से बताई, आर्क वेल्डिंग होती है, आर्क वेल्डिंग में TIG होता है, MIG होता है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होता है, आपका प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होती है, ये सारी चीजें किस में आती है, लिक्विड वेल्डिंग की कौन सी में आती है, आर्क वेल्डिंग में। और लिक्विड में एक तो आर्क होती है, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, मैंने आपको बताया।
तो पहले हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, आर्क वेल्डिंग में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं तो हेडिंग आप लोग डालेंगे आर्क वेल्डिंग। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता दूंगा आर्क वेल्डिंग में होता क्या है, फिर हम लोग चलेंगे आर्क वेल्डिंग के टाइप पे, TIG, MIG, SMAW सारी वेल्डिंग पे। तो आर्क वेल्डिंग में होता क्या है पहले हम लोग बेसिक समझते हैं, आर्क वेल्डिंग का बेसिक क्या है। देखो आर्क वेल्डिंग का बेसिक क्या है पहले हम लोग समझते हैं, आर्क वेल्डिंग का ठीक है, आर्क वेल्डिंग का क्या है ये बेसिक क्या है पहले तो ये हमको ये वाला समझना पड़ेगा। देखो आर्क का मतलब तो आप लोग समझते हो चिंगारी, मतलब जैसे ये एक इलेक्ट्रोड आपका है ना, इलेक्ट्रोड आप लोग जानते होंगे, ये आपका इलेक्ट्रोड है ठीक है, ये आपका क्या एक वर्क पीस है जिसके हम लोगों को वेल्डिंग करनी है, आपका क्या वर्क पीस है, ये आपका क्या वर्क पीस है, ध्यान से समझिए, ये क्या एक इलेक्ट्रोड है, ये क्या एक इलेक्ट्रोड है और ये क्या है आपका एक वर्क पीस है ठीक है। मैंने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया मैंने, हो सकता है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल, मैंने वर्क पीस को बना दिया पॉजिटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रोड को बना दिया मैंने नेगेटिव टर्मिनल, इसको मैंने पावर सप्लाई से क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया ठीक है, पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा देखते हैं, क्या होने वाला है यहां पर हम लोग देखते हैं कैसे वेल्डिंग होती है देखते हैं। देखो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड है, एक वर्कपीस है, मैंने पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कर दिया, इसको नेगेटिव से भी कर सकता हूं कोई बड़ी बात नहीं, और इसको पॉजिटिव से कर सकता हूं, कब करूंगा मैं बात बताऊंगा आपको। मैं क्या करता हूं, मैं इलेक्ट्रोड की पोजीशन को क्या करता हूं, मैं चेंज करता हूं है ना, थोड़ा नीचे लाता हूं ऊपर लाता हूं, तो मैं देखता हूं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, आपने देखा होगा कि जब लोहे वाला वेल्डिंग करता है तो वो जो आपका इलेक्ट्रोड होता है उसको आगे पीछे एक पर्टिकुलर लेंथ पर देखता है, तो एक पर्टिकुलर जो लेंथ होगी ना वहां पर क्या होगा आर्क डेवलप हो जाएगा, इससे क्या डेवलप हो जाएगा आपका आर्क डेवलप हो जाएगा, इससे क्या डेवलप हो जाएगा आर्क डेवलप हो जाएगा ठीक है, आर्क डेवलप हो गया, क्या डेवलप हो जाएगा आर्क डेवलप हो जाएगा। पहले एक छोटी सी चीज मुझे बताइए कि जब भी करंट फ्लो होती है, आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, मतलब यहाँ से करंट आएगी ऐसे ऐसे करंट फ्लो होगी, ऐसे होगी नहीं होगी बताओ, ऐसे तो होती है करंट फ्लो। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, जो करंट होती है किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, जो करंट होती है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, मतलब पॉजिटिव जो आपके आयन्स है या मैं बोलूँ प्रोटॉन की डायरेक्शन में करती है या इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में करती है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में करती है, इलेक्ट्रॉन की, इसका कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है भाई आपको पता है, जब चार्ज फ्लो होता है जब भी तो करंट फ्लो होगी, तो चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज भी एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के पास प्रोटॉन होता है। तो आप ध्यान रखिए जिस भी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे वही हमारे करंट की डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल, ये बात सही है क्या, और जिस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है किसकी, करंट की, ये हमारा कन्वेंशनल है, ये हमारा कन्वेंशन है ठीक है। तो अगर आपकी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो मैं क्या बोल सकता हूँ क्या कि इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे बताओ, और जो पॉजिटिव है प्रोटॉन आप लोग मान लो प्रोटॉन इस डायरेक्शन में कर रहे होंगे। इतनी सी बात समझ आ गई कि आप प्लीज थम्स अप करो, लाइक करके बताओ जल्दी से, क्लियर। मैं इसकी थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा देता हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा मेरे को आपके कमेंट, बताइए ये पेन चेंज करता हूँ थोड़ा सा। देखो मैंने क्या बोला, जो करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि जो करंट की जो डायरेक्शन होगी मतलब ये डायरेक्शन होगी तो ये ही पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव आपके जो चार्ज है उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी नहीं होगी, और क्या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये वाली होगी नहीं होगी बताओ, बस इतनी सी चीज बता दो, होगी होगी। आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा होता है या प्रोटॉन का, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है आपका कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे जब हाई वेलोसिटी से जब यहां से नीचे आएंगे, जब हाई वेलोसिटी से यहां से नीचे आएंगे तो क्या इनके पास में कुछ एनर्जी होगी क्या, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएट विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पर जो काइनेटिक ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इनके पास में क्या कुछ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होगी, बिल्कुल होगी। तो जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी होगी कम होगी, अरे ज्यादा होगी, बहुत हाई स्पीड से आ रहे हैं आपके ठीक है, तो जो आपके हाई स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन इस पे टकराएंगे इनके पास में कुछ एनर्जी के यस दे है ठीक है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जैसे ही ये टकराएंगे जो एनर्जी क्या करेंगे रिलीज करेंगे तो यहां पर क्या होगी हीट डेवलप होगी, अरे यहां पर क्या डेवलप होगी हीट डेवलप होगी,
तो क्या यहाँ पर हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं कि हीट डेवलप होगी, यहाँ का मटेरियल हटेगा, यहाँ पर वेल्डिंग हम लोग इजीली कर सकते हैं? बात समझ में, थोड़ी सी बताओ। तो मैंने क्या करा, कुछ भी नहीं है। अब बात आती है, आप बोलेंगे कि सर पॉजिटिव आयन्स फिर उधर जा रहे हैं, तो जान दो उधर क्या क्या फर्क है। कुछ फर्क नहीं है, ये जाएंगे। आप बोलोगे उधर भी तो हीट रिलीज होगी, बिल्कुल हीट रिलीज होगी, मैं मनाई नहीं कर रहा, लेकिन देखो जब आपके वर्कपीस को पॉजिटिव आपका बनाया जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल बनाया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। देखो एसी में तो क्या होता है, चलो एसी की बात नहीं करें, एसी डीसी आप लोग जानते हो, इसको मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। ये क्या होता है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, आइए समझते हैं थोड़ा सा। देखो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ये कॉपी हो गई अपनी। चलो कोई नहीं, कॉपी नहीं हो रही, कोई बात नहीं। देखो मुझे आप एक चीज बताओ, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी कौन सी होती है? यदि आप वर्क पीस को पॉजिटिव टर्मिनल बना रहे हैं और जो इलेक्ट्रोड है यदि आप लोग इसको नेगेटिव टर्मिनल बना रहे हैं, तो फायदा क्या होता है? आप मुझे बताइए हीट कंटेंट किस पे ज्यादा होगा? मैं मान रहा हूं वर्कपीस से भी पॉजिटिव आयंस निकल के, प्रोटॉन्स निकल के इलेक्ट्रोड पे जा रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, उसके पास भी हीट रिलीज होगी, लेकिन जो भी हीट होती है उसका अगर हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करेंगे, कहने का मतलब अगर वर्कपीस को पॉजिटिव बनाएंगे तो जो वर्कपीस पे जो हीट होती है वो होती है 2/3 भाग, जो वर्कपीस पे जो हीट होती है वो होती है 2/3 फ्रैक्शन, और इलेक्ट्रोड पे जो होती है वो होती है 1/3 भाग। ठीक है, 1/3 भाग होती है। चीजें क्लियर है? किसकी बात करूं, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। अगर आपने वर्कपीस को नेगेटिव टर्मिनल बना दिया और जो आपका इलेक्ट्रोड है ऊपर, अगर आपने उसको पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया तो क्या होगा? तो क्या करंट ऐसे फ्लो होगी? करंट ऐसे फ्लो होगी, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वो ऐसे हो रहे होंगे, जो नेगेटिव चार्ज आयन है वो इससे फ्लो होंगे, प्रोटॉन्स आपके ऐसे हो रहेंगे, मतलब जो प्रोटॉन्स आ रहे हैं वर्कपीस पे आ रहे हैं तो आने दो, ये भी हीट रिलीज करेंगे, मना नहीं कर रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हीट रिलीज करेंगे। मतलब अब मैं बात करूं, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। तो डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है, जो आपका वर्कपीस होता है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बनाते हैं और जो आपका इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग क्या बनाते हैं, उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बनाते हैं। और एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां पर जो 1/3 भाग का जो हीट होता है वो वर्कपीस पे होता है, 1/3 किस पे होता है, वर्क पीस पे होता है, और 2/3 किस पे होता है, आपके इलेक्ट्रोड पे होता है। अब बात आती है कहां पर कौन सी यूज करें, ठीक है, कहां पर कौन सी यूज करें, तो बताओ समझते हैं कहां पर कैसे यूज करने है। चलो मुझे एक चीज बताओ, अगर आपका इलेक्ट्रोड कंजूमेबल है, कंजूमेबल का मतलब क्या, पिघल रहा है, तो ये पिघल के, देखो ये एक होता है फिलर मटेरियल, ठीक है, फिलर मटेरियल, तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रोड की तरह भी काम कर रहा है और एक फिलर मटेरियल की तरह भी, मतलब किसी दो वर्क पीस में ये मेल्ट होकर थोड़ा सा एक फेविकोल की तरह काम करेगा, ये मेल्ट हो जाएगा और बीच के दो वर्क पीस में गिर जाएगा, ये समझो, ऐसे समझो। तो अगर ये आपका कंज्यूमेबल है, कंज्यूमेबल का मतलब क्या है, अगर एक फिलर मटेरियल की भी तरह काम कर रहा है, अगर इसको कंज्यूम होना है तो इसमें तो गिरेगा, मतलब इसमें मटेरियल ऐड होने का काम कर रहा है, मटेरियल ऐड करने का, अगर ये आपका कंज्यूमेबल है तो आप लोग क्या चाहोगे कि 1/3 भाग हीट इस पे हो या इस पे हो? अगर आपको इसको कंज्यूम करना है क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, फिलर मटेरियल का, तो आपको इस पे हीट ज्यादा चाहिए नहीं चाहिए, 2/3 भाग, तो डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी यूज करोगे, समझे? अगर आपका इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल है, मतलब कंज्यूम हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रोड ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो 1/3 भाग हीट काम पर करोगे, इधर करोगे, इधर करोगे, बताओ इधर करोगे ना, क्योंकि इधर 2/3 करने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका ये इलेक्ट्रोड तो मेल्ट होगा नहीं, तो 2/3 आप लोग कहां पर करोगे, वर्कपीस पे करोगे, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वर्कपीस की तो आपकी डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन ज्यादा होगी, ज्यादा डेप्थ तक आपकी हीट जाएगी, ज्यादा डेप्थ तक पेनेट्रेशन होगा नहीं होगा, बताओ? ये चीजें समझ में आया डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी रिवर्स पोलैरिटी का, एक बार तो कमेंट करके मुझे ये बताओ, बताओ ये चीजें समझ में आ रही है नहीं आई, बताओ
रवि जी बोल रहे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग बताओ, अरे टाइम पे आएगा तो अल्ट्रासोनिक बताएंगे, पहले आर्क वेल्डिंग तो पढ़ लो, एक एक ही तो पढ़ाऊंगा। चले आ गया, बात को ध्यान से समझो। देखो एक तो होती है हमारे पास करंट, डायरेक्ट करंट, एक होती है ऑल्टरनेटिंग करंट डीसी एसी। तो डायरेक्ट, ये तो बात किसका हो गया, डायरेक्ट करंट का भाग हो गया, बात हो गई सॉरी। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, एक साइकिल प्लस एक साइकिल माइनस, एक साइकिल प्लस एक साइकिल माइनस, मतलब इसमें क्या होगा कि आपके एक बट्टे दो भाग हीट किस में रहती है, वर्क पीस में रहती है, और एक बट्टे दो भाग हीट किस में रहती है, आपके वर्क इलेक्ट्रोड में रहती है। किस में बात कर रहा हूँ, एसी में। तो अभी तो हम लोग एसी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ स्ट्रेट पोलरिटी कहाँ पर यूज़ होगी और आपकी रिवर्स पोलरिटी यूज़ कहाँ पर होगी। तो एक एक पॉइंट आप लोग डाल के लिख लो। पहले तो हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी की, जो स्ट्रेट पोलरिटी यूज़ होगी ये कहाँ पर होगी बताइए, जो स्ट्रेट पोलरिटी यूज़ होगी कहाँ पर होगी। देखो स्ट्रेट पोलरिटी में पहली चीज़ आपको क्या है कि जो आपका जो इलेक्ट्रोड बनता है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल बनता है, और अगर मैं आपसे बात करूँ वर्क पीस की तो वर्क पीस आपका पॉजिटिव टर्मिनल बनता है। पहली चीज़ क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर है, बताऊँ इलेक्ट्रोड आपका क्या बनता है, नेगेटिव टर्मिनल बनता है, और आपका जो ये सॉरी वर्कपीस होता है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल बनता है। ठीक है, तो इस केस में वर्कपीस पे ज़्यादा हीट होगी नहीं होगी, तो वर्कपीस पे अगर मैं बात करूँ तो वर्कपीस में कितनी रहती है, दो बटे तीन भाग रहता है हीट का। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोड पे बात करूँ तो ये इस पे रहता है एक बटे तीन भाग रहता है। ये दूसरा पॉइंट क्लियर है क्या, इलेक्ट्रोड पे एक बटे तीन रहता है, वर्कपीस पे आपके दो बटे तीन रहता है। क्लियर, तो ये हम लोग डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी कहाँ पर यूज़ करनी है, जब आपकी वर्कपीस का जो आपका मटेरियल, जो वर्कपीस का आपका जो भी मटेरियल, अगर उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, या फिर मैं बोलूँ उस वर्कपीस की थिकनेस ज़्यादा है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी। क्यों, क्योंकि इस केस में वर्कपीस पीस ज़्यादा रहेगी, तो कब यूज़ कर सकते हैं, हाई थिकनेस ठीक है, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट वर्कपीस पे, बताओ हाई मेल्टिंग पॉइंट वर्कपीस में। ये चीज़ें क्लियर है क्या, ये पॉइंट क्लियर है क्या, जो भी मैंने तीन पॉइंट लिखवाए ये तीनों क्लियर होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन क्या होगी, तो डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन इसमें ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा हीट हो रही है, तो इसमें डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी हाई। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि वेल डिपोजिशन रेट क्या होगी। अब आप लोग बोलेंगे क्या है वेल डिपोजिशन रेट, पहले इधर समझाता हूँ फिर लिखवा भी दूंगा। तो पहले तो आप लोग इसके बारे में बात करेंगे, वेल डिपोजिशन रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी कम रहेगी, खुद समझ के बताओ। देखो वेल डिपोजिशन रेट क्या है कि अमाउंट ऑफ मटेरियल एडेड इन ड्यूरिंग वेल्डिंग, मतलब कोई चीज़ की आप लोग वेल्डिंग करो तो उसमें कितना मास आपने ऐड करा है, कितना मटेरियल आपने ऐड करा है, ये चीज़ है। तो वेल डिपोजिशन रेट की बात करूँ तो इसमें ज़्यादा होगी कम होगी, मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। देखो मैंने क्या बोला, वेल डिपोजिशन रेट, देखो वेल डिपोजिशन रेट क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मटेरियल एडेड ड्यूरिंग वेल्डिंग, ठीक है, पर यूनिट टाइम आप कितना केजी मास ऐड कर रहे हो ड्यूरिंग वेल्डिंग। मैंने आपको बोला कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी। अरे स्ट्रेट पोलरिटी में ज़्यादा हीट किस पे होगी, वर्कपीस पे होगी, मतलब इलेक्ट्रोड पे आपके ज़्यादा हीट नहीं है, जो आपका इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोड पे आपके पास ज़्यादा हीट नहीं है, तो इलेक्ट्रोड क्या होगा, मेल्ट होगा क्या, नहीं होगा, तो ये मेल्ट होकर इसमें गिरेगा ही नहीं, मतलब ये यहाँ पर फिलर मटेरियल का काम ही नहीं कर रहा, मतलब जो वेल डिपोजिशन रेट होगी वो क्या होगी, कम होगी। अगर ये ज़्यादा मेल्ट होता पिघलता तो एक किसका काम करता है, ये जल्दी से मुझे बताइए, ये फिलर मटेरियल का काम करता, तो इसमें ये डिपोज हो जाता है ना, क्लियर। तो इसमें जो वेल डिपोजिशन रेट रहेगी इसमें क्या रहती है, कम रहती है, लो रहती है, ठीक है। तो ये आपका किसका था, बेसिक था, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी का। रिवर्स पोलरिटी लिखवाता हूँ, और रिवर्स पोलरिटी के बाद में हम लोग कुछ अलग टर्म पढ़ेंगे वेल्डिंग के, फिर हम लोग स्टार्ट होगी वेल्डिंग, तो कहाँ से स्टार्ट होगी, टीआईजी से। तो डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी में क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया रिवर्स पोलरिटी आपकी यूज़ कहाँ पर करेंगे, रिवर्स पोलरिटी में जो आपका इलेक्ट्रोड बनता है उसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल बनाता हूँ, जो इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोड को मैं पॉजिटिव टर्मिनल बनाता हूँ, सही बात है, और जो वर्कपीस है वर्कपीस को मैं बनाता हूँ नेगेटिव टर्मिनल, सही बात है।
इस केस में इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल बनाया, वर्कपीस को नेगेटिव टर्मिनल बनाया। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पे जो हीट कंटेंट रहेगा, इलेक्ट्रोड पे कितना रहेगा, 2/3 भाग रहेगा हीट का, और अगर मैं वर्कपीस पे बात करूँ तो वर्कपीस में कितना रहता है, 1/3 भाग रहता है। क्लियर? तीसरी चीज़ क्लियर, मतलब ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। जो तीसरी चीज़ रहती है, अगर मैं बात करूँ डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन, इस केस में क्या रहेगा, अभी प्लस सब्सक्रिप्शन लिए तो मैक के पुराने वीडियो एक्सेस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जो अभी कोर्स बन रखा है, जो पहले बन चुका वो वाले नहीं, जो अभी जो नया कोर्स बनाया है, जो चल रहा है रनिंग में, वो कोर्स आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कब यूज़ करेंगे, जब आपके वर्क पीस में डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन इस केस में क्या होगी, कम होगी। डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन क्या होगी, कम होगी। डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम रहेगी। एक पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं, ध्यान से मेरी बात समझो। अगर मैं आपसे बात करूं उसमें वेल्ड डिपोजिशन रेट क्या होगी, वेल्ड डिपोजिशन रेट देखो वेल्ड डिपोजिशन रेट क्या होती है, मैंने बताया अमाउंट ऑफ मटेरियल एडेड ड्यूरिंग वेल्डिंग पर यूनिट टाइम। मतलब मैंने बोला 4 kg/hr, यानी एक घंटे में 4 kg मास ऐड कर रहा हूँ, तो आपका जो ज़्यादा हीट कंटेंट है किस पे, इलेक्ट्रोड पे, तो इलेक्ट्रोड आपका कंज्यूमेबल हुआ तो आपका इलेक्ट्रोड आपका क्या होगा, पिघलेगा, उसमें वर्क पीस में बीच में ऐड होगा, नहीं होगा, होगा ना। तो मतलब वेल्ड डिपोजिशन रेट क्या है इसकी, ज़्यादा है, मोर। आगे हम लोग चलते हैं, बात करेंगे एसी की। जो डायरेक्ट करंट की बात हो गई, एसी में क्या होता है, एसी में 1 सेकंड में तो वर्क पीस बनता है इलेक्ट्रोड, मतलब आपका नेगेटिव टर्मिनल और एक आपका एक बार पॉजिटिव टर्मिनल, तो मतलब 1/2 भाग जो आपका फ्रैक्शन रहता है हीट का, वो किस पर रहता है, वर्क पीस पर रहता है, और 1/2 भाग किस पर रहता है आपका, ये आपका रहता है इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो पहले तो मैं कुछ आपको बेसिक टर्म्स बताता हूँ वेल्डिंग के, एक बार वापिस फिर हम लोग और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे TIG MIG। ठीक है, पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए, इनको भूलिए, अपनी बात हो गई आर्क वेल्डिंग की। अब मैं सीधा आपको TIG MIG सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि वेल्ड पूल क्या होता है, स्विमिंग पूल होता है ना, स्विमिंग पूल वैसे होता है वेल्ड पूल, जिसको एक नाम से और जाना जाता है, डेट इज पडल। ठीक है, ये वेल्ड पूल क्या होता है, ये पडल क्या होता है, बताइए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई दो वर्क पीस है, है ना, कोई दो वर्क पीस है, एक वर्क पीस है, आपको दोनों को क्या करना है, वेल्डिंग करनी है। आपने कोई मटेरियल डाला इसमें, क्या सॉलिड स्टेट में डालेंगे, लिक्विड में डालेंगे भैया? इसके ऊपर जैसे मान लो दो लोहे की प्लेट रखी है, ऐसे थोड़ी आपने इस पर लगे सोना रख दिया तो दोनों चिपक गए। तो आपको जो भी मटेरियल आप लोग ला रहे हो, क्या पहले क्या लिक्विड कंडीशन में लाओगे, नहीं लाओगे लिक्विड कंडीशन में? अरे बताओ, दोनों में ऐसे लिक्विड कंडीशन में भरोगे, नहीं भरोगे बीच में? अरे हाँ या ना, भरेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, ये वेल्ड पूल क्या एक स्विमिंग पूल की तरह वर्क कर रहा है क्या, दिख रहा है क्या सर थोड़ा, ये ऐसे ऐसे लग रहा है कि पानी भरा हुआ इधर लिक्विड कंडीशन में, बताओ। तो जैसे स्विमिंग पूल होता है वैसे क्या होता है, आपका वेल्ड पूल होता है। तो मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि वेल्ड पूल को मैं डिफाइन कैसे करूँ, वेल्ड पूल भी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ लिक्विड मेटल बिफोर द बिटवीन द टू वीक सरफेस, ठीक है, टू वर्क सरफेस बिफोर सोलिडिफिकेशन। अगर मैं बात करूँ आपसे कि ये आपका वेल्ड पूल क्या होता है, कि जो लिक्विड मेटल का अमाउंट जो दो वर्क पीस के बीच में डाला गया है बिफोर सोलिडिफिकेशन, जम गया तो इसको कुछ और नाम दे देंगे, जमने से पहले क्या इतना मटेरियल हम लोगों ने इसके बीच में ऐड करा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्ड पूल। देखो लिखो, अमाउंट ऑफ मेटल एडेड बिटवीन, अमाउंट ऑफ लिक्विड करिए इसको ना, लिक्विड मेटल एडेड बिटवीन टू वर्क पीस बिफोर सोलिडिफिकेशन। चीजें क्लियर है क्या? ये किसकी बात बताई मैंने आपको, वेल्ड पूल की बात करी, जिसको एक नाम से और जाना जाता है, डेट इज वेल्ड, ये पडल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेल्ड बीड।
ठीक है। देखो वेल्ड बीड क्या है, जैसे आपने वर्क पीस के बीच में आपने क्या डाला, लिक्विड मेटल डाला, लिक्विड मटेरियल डाला कोई। अब ये जब जम जाएगा, ये कुछ जम जाएगा, जैसे हमारे होता है ना, कोई बोलते हैं बच्चे के कुछ निकल गया ऐसे कुछ भी, जैसे फुंसी टाइप का, गुमडी टाइप का इसको बोलते हैं। तो जैसे मान लो ये जम गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेल्ड बीड बोलेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपने वेल्डिंग कर रहे हो यहां से ना, वेल्डिंग स्टार्ट करो, जूम गए, आपने क्या कुछ मटेरियल ऐड कराया क्या? तो मतलब ये मटेरियल जो ऐड हुआ ना, एक सिंगल पास में कितना मटेरियल ऐड हुआ, एक, आपने ऐसा करा जूम, वेल्डिंग कर दी इसकी, तो एक सिंगल पास में कितना मटेरियल आपने ऐड करा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्ड बीड बोलते हैं। ठीक है, तो मटेरियल एडेड इन ए सिंगल पास। बताओ टाइम क्या हो गया, 11:15 हो गए, और बताओ। ठीक है, तो किसकी बात हो गई आपकी, वेल्ड पूल की। तो भाई अब हम लोग स्टार्ट करेंगे TIG वेल्डिंग। तो TIG वेल्डिंग जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कल करेंगे, क्योंकि आज कंप्लीट होगा भी नहीं। क्लियर? तो आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको ये बताया आर्क वेल्डिंग को एक बार वापस देखना है, क्योंकि बिना आर्क वेल्डिंग के आपके, अगर आपको आर्क वेल्डिंग आ गया तो आपको TIG MIG में 1% दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1% दिक्कत नहीं है। तो आपको बताता हूँ आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। मैंने आपको बताया कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना है वो इन तीन कैटेगरी में फॉल होगा, या तो कास्टिंग या फॉर्मिंग में, जॉइनिंग प्रोसेस में, या मशीनिंग में। आपको था कास्टिंग फॉर्मिंग प्रोसेस आपका जीरो प्रोसेस है, या आपका पॉजिटिव प्रोसेस है, या आपका नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि ड्यूरिंग दी मशीनिंग ऑलवेज देर इज अ लॉस ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर देखिए ज्वाइनिंग करने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो मैकेनिकल फास्टनिंग आप लोग कर सकते हैं, यदि कोई भी दो वर्क पीस हो तो नट बोल्ट से जोड़ दो, डेट इज नोन एज द मैकेनिकल फास्टनिंग। एक होती है आपकी वेल्डिंग तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एक होती है आपकी सोल्डरिंग, एक होती है ब्रेजिंग। तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग क्या है आपकी, ये वेल्डिंग के स्पेशल टाइप है आपके। ठीक है, तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे सोल्डरिंग और आपके ये ब्रेजिंग। ठीक है, वेल्डिंग में मैंने आपको बताया कि कोई भी दो वर्क पीस को आपको ऐड करना है, तो आप लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, कि वेल्डिंग को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, कि एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसमें जो वर्क पीस होते हैं, दो वर्क पीस जुड़ सकते हैं विद और विदाउट दी एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, विद और विदाउट दी एप्लीकेशन ऑफ हीट, विद और विदाउट दी यूज ऑफ फिलर मटेरियल। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं वेल्डिंग को। मैंने आपको क्लासिफाई करा तीन स्टेट में, सॉलिड लिक्विड और आपके सॉलिड लिक्विड में। तो सॉलिड स्टेट में क्या है, दो वर्क पीस सिर्फ और सिर्फ अपनी सॉलिड स्टेट में चिपक रहे हैं, उनको हम लोग मेल्ट नहीं कर रहे, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर रहे चिपकाने के लिए, जस्ट सॉलिड में ही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सॉलिड स्टेट वेल्डिंग हो जाएगी। इसमें कौन कौन सी आती है, एक आती है आपकी फ्रिक्शन वेल्डिंग, एक होती है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, एक होती है फोर्ज वेल्डिंग, एक होती है आपकी डिफ्यूजन वेल्डिंग, एक होती है आपकी एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। ठीक है ना, इसमें तो बिल्कुल बम का यूज़ करेंगे एक्सप्लोजिव वेल्डिंग में आपके। ठीक है, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग क्लियर। लिक्विड में कौन सी है, आर्क वेल्डिंग है। तो आर्क वेल्डिंग का पूरा बेसिक मैंने बता दिया, अभी TIG MIG ये SAW यानी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, अब इसमें कुछ भी नहीं अगर आपने आर्क वेल्डिंग पढ़ लिया तो। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, आपके कोई दो गैस मिलेगी, कुछ केमिकल रिएक्शन करेगी, वो अगर केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई तो हीट रिलीज करेगी वर्क पीस पर, वर्क पीस आपका क्या होगा उस पर हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का मैंने आपको बताया था कि यदि कोई दो वर्क पीस है, एक इलेक्ट्रोड ये रहा है, इलेक्ट्रोड ये रहा, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, एक को नेगेटिव टर्मिनल से, जो आपकी हीट ये सॉरी इसमें से यहाँ से यहाँ पर करंट फ्लो होनी चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वर्क पीस, यहाँ पर क्या होगी, हीट डेवलप होगी, कितनी होगी, I²RT होगी, और इस हीट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद में आपके सोल्डरिंग और ब्रेजिंग होगी जो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूँ वेरियस जॉइंट डिजाइन, कैसे कैसे जॉइंट होते हैं, तो यदि दो वर्क पीस हम लोग ऐसे जुड़ रहे हैं एंड टू एंड, दिस इज नोन एज द बट जॉइंट। इफ अगर ये वर्क पीस ऐसे जुड़ रहे हैं लैप में, मतलब गोदी में जुड़ रहे हैं, एक जैसे बच्चे को बैठाते ना गोदी में, वैसे बच्चे को इस वर्क पीस को इसने गोदी में बैठा लिया। ठीक है, तो ये जो आपका जॉइंट होगा कौन सा होगा, आपका लैप जॉइंट होगा। ऐसा एक जॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर जॉइंट, और ये आपका होता है टी जॉइंट। आगे हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्ड, मतलब जो आपके वेल्ड बने वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो आपका वर्क पीस अगर पूरे डेप्थ तक नहीं जा रहा आपका ये वीड, तो ये आपका कौन सा होगा, बीड वेल्ड होगा। क्लियर, अगर मैं आपसे बात करूँ पूरे डेप्थ तक जा रहा, तो ये आपका कौन सा होगा, ग्रूव वेल्ड होगा। अगर आपका ये आपके दो वर्क पीस ऐसे जुड़ रहे हैं, तो ये आपका कौन सा होगा, फिलेट वेल्ड होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं आर्क वेल्डिंग का बेसिक। मैंने आपको क्या बताया, आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, एक आर्क डेवलप होता है किसके बीच में, इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में, और इस आर्क की वजह से जो हीट डेवलप होगी वही किसका, उसी का हम लोग यूज़ करते हैं वेल्डिंग में। क्लियर,
तो करंट कौन सी यूज कर सकते हैं, डीसी भी कर सकते हैं, एसी भी कर सकते हैं। डीसी में भी आपके पास दो ऑप्शन है, पॉजिटिव टर्मिनल इसको बना लो, इसको बना लो। तो पॉजिटिव टर्मिनल जब आप लोग इसको बनाओगे तो यहाँ से क्या इसको मतलब करंट आपकी ऐसी जाएगी, करंट ऐसी जा रही है मतलब जरूर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का कंसिडरेशन ज्यादा होगा मास के कंपेरिजन में वेलोसिटी का इफेक्ट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जब ये एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन सीधा टकराएंगे तो हीट रिलीज करेंगे, तो जिसकी वजह से हम लोग वर्क पीस आपका वेल्ड किया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ यदि इसको हम लोग बोलते हैं डीसी एसपी डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, यदि हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बनाए वर्क पीस को, इसको बनाए पॉजिटिव टर्मिनल, तो जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके इलेक्ट्रोड पे जाएंगे तो दो बट्टे तीन भाग होगा इलेक्ट्रोड पे जाएगा, इलेक्ट्रोड आपका कंज्यूमेबल हुआ तो आपका दो बट्टे तीन भाग हम लोग इस पे लेंगे, क्लियर। तो ये बात किसकी थी, डीसी एसपी की बात थी, ये बात किसकी थी आपकी, सारे पॉइंट बता रही, डीसी एसपी में यही चीज़ होती है, ये होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिवर्स पोलैरिटी। मैंने आपको बताया रिवर्स पोलैरिटी में जो इलेक्ट्रोड होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल, वर्क पीस नेगेटिव टर्मिनल, जिस पे नेगेटिव टर्मिनल उस पे हीट कंटेंट ज़्यादा, यानी आई एम सॉरी, इलेक्ट्रोड को आप पॉजिटिव टर्मिनल बनाओगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी इलेक्ट्रोड पे आपकी दो बट्टे तीन भाग हीट, वर्कपीस पे एक बट्टे तीन। डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन इसमें क्योंकि कम होगी क्योंकि ज़्यादा जो हीट कंटेंट है उस पर इलेक्ट्रोड पे। बात करते हैं वेल डिपोजिशन रेट क्या होती है, देखो वेल डिपोजिशन रेट आपकी इस केस में क्या होगी, ज़्यादा होगी क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो पिघल रहा है, वो मेल्ट हो रहा है, दो बट्टे तीन भाग हीट है तो वो ज़्यादा फिलर मटेरियल की तरह रिलीज करेगा, तो उनके बीच में क्या होगा, ज़्यादा मटेरियल ऐड होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि वेल्ड पूल क्या होता है, क्लियर, ये आपके वेल्ड पूल है, वेल्ड भीड़ है। तो मिलते हैं कल, तो देखो वीडियो को जरा जरा लाइक करो, क्लियर, वीडियो को जरा जरा लाइक करिए, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्लियर। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और जिन्होंने अभी तक तो फ्रेंड्स अभी तक जिन्होंने अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन नहीं किया है वो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर ले, ऐसा मौका वापस नहीं आने वाला है। जेई की बम्पर वैकेंसी, सारे आपके डाउट क्लियरिंग, डिफरेंट आपके फीचर्स से मैंने आपको बता रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके 6 महीने का जो लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 3200 में पड़ता है, उसमें भी यदि आप लोग वाईफाई स्टडी रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप लोग सारे कोर्स एक्सेस कर सकते हैं उसमें। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।